Good morning, children. Welcome back to our English class. Now, this is Mamata Bora, your English teacher. Now, today in this lecture, we are going to understand a topic on competition, my parents. लेकिन start करने के पहले, let us understand what is the meaning of composition. Now, what is the meaning of composition? Composition means ये है कि आपने second standard में भी लिखा होगा composition and now also in third standard. Composition is a written piece of work. ये एक written work है. लेकिन कैसा होता है, इट इज शॉर्ट एंड वो जो टॉपिक आपको दिया गया है आपको उसी के बारे में लिखना है. जैसे कि यहाँ पर मेरा टॉपिक है माय पेरेंट्स, तो आपको सिर्फ माय पेरेंट्स से रिलेटेड ही सेंटेंसेस लिखने हैं. ऐसा नहीं कि मैंने आपको माय पेरेंट्स दे दिया तो आप अपने क्लास का, फ्रेंड्स का, ये सब लिख रहे हो. सो कॉम्पिटिशन मीन्स यू हैव टू राइट सेंटेंसेस ऑन योर व्हाट एवर टॉपिक्स गिवन टू यू. सो नाउ योर कॉम्पिटिशन इज ऑन माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स. तो माय पेरेंट्स के बारे में आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं. नाउ बिफोर वी स्टार्ट अवर कॉम्पिटिशन, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हमेशा कॉम्पिटिशन पैराग्राफ में होता है. आपने लोअर सेंटेंस में पॉइंट्स में लिखा होगा या पैराग्राफ में, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे. और पैराग्राफ में लिखने में क्या ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर कॉम्पिटिशन, यहाँ पर समझो कि ये आपकी मार्जिन है, ये आपकी पेज का मार्जिन है, तो आपको यहाँ पर टू फिंगर की स्पेस छोड़ के फिर कॉम्पोजिशन स्टार्ट करना है. ऑलवेज कॉम्पोजिशन ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से आपने वो लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, बाद में आपको यहाँ पर लिखना है. लेकिन फर्स्ट लाइन में ऑलवेज टू लाइन्स, सॉरी टू फिंगर्स की स्पेस छोड़ के ही लिखना है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आवर कॉम्पोजिशन. आई हैव लविंग पेरेंट्स. आई हैव लविंग पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्यारे हैं. मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्यारे हैं, लविंग पेरेंट्स. आई लिव विथ देम. आई लिव विथ देम, मैं उनके साथ रहता हूँ. दे लव मी वेरी मच. दे लव मी वेरी मच, ये तो आपको पता है सबके पेरेंट्स उनके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. तो यहाँ पर भी लिखा है दे लव मी वेरी मच, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ही प्यार करते हैं. माई फादर इज अ कॉलेज टीचर. नाउ पेरेंट्स के बारे में लिखना है तो आपको आपके फादर और मदर के बारे में भी बताना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखा है कि मेरे फादर जो है ही इज अ कॉलेज टीचर. जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं वैसे कॉलेज में भी होते हैं. तो मेरे फादर कहाँ पर टीचर है? ही इज अ कॉलेज टीचर. ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग. और उनको क्या पसंद है? उनको रीडिंग करना पसंद है. जैसे कि कभी भी उनको फ्री टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? बुक्स रीड करते हैं, मैगजीन्स रीड करते हैं. सो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, रीडिंग करना. जैसे बहुत सारे लोगों की हॉबीज होती है रीडिंग, गार्डनिंग, एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवीज. तो इनकी हॉबी क्या थी? उनको बहुत ही पसंद था रीडिंग करना. माय मदर इज अ जेंटल लेडी. मेरी जो मम्मा है वो कैसी लेडी है? जेंटल. जेंटल मीन्स काइंड. शी इज अ काइंड लेडी. शी स्टेज एट होम. और वो क्या करती है? वो घर पर ही रहती है. जैसे आप लोगों की बहुत सारे की मदर्स होगी वो जॉब पे जाती होगी, तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मदर घर पर रहती होगी. तो यहाँ पर लिखा है शी स्टेज एट होम, मतलब कि वो घर पर ही रहती है. शी इज बिजी ऑल द टाइम. बिजी मतलब हमेशा काम करती रहती है. तो शी इज बिजी, कुछ ना कुछ ना कुछ काम करती रहती है ऑल द टाइम. शी वर्क्स हार्ड फॉर अस. वो हमारे सबके लिए बहुत मेहनत करती है. जैसे कि कैसे मेहनत करती है? सुबह जल्दी उठती है, नाश्ता बनाती है आप लोगों के लिए तैयार करके स्कूल में भेजती है. देन अगेन घर का काम, आप आते हो फिर से आपको पढ़ाने बैठ जाती है एंड एवरीथिंग. सो शी इज ऑलवेज बिजी ऑल द टाइम. दे आर आइडियल पेरेंट्स. दे आर आइडियल पेरेंट्स मीन्स वो मेरे जो पेरेंट्स वो एकदम परफेक्ट पेरेंट्स है. आइडियल मीन्स परफेक्ट. दे आर आइडियल पेरेंट्स. वो मेरे जो पेरेंट्स वो एकदम परफेक्ट पेरेंट्स है. आई एम लकी टू हैव सच पेरेंट्स. और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले. ओके, सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्पिटिशन माय पेरेंट्स. तो आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखाया वैसे दो फिंगर की स्पेस होकर पैराग्राफ बना के लिखना है. एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट कॉम्पिटिशन. और अब क्या करोगे? कॉम्पिटिशन लर्न कर दोगे और लर्न करने के बाद इसके सारे स्पेलिंग्स भी रेडी करोगे. ओके, थैंक यू.